कितना बिल आया है? 18,435। कितने दिन लाइट जलाए हैं? एक करोड़ नहीं। मैंने झूठ बोले के तार नहीं है खम्भा में तो बिजली कहाँ से आएगी साहब? अब बिल आवत ही भर फटाफट। कब से लगा हुआ ये मीटर? 4 साल होगा। 4 साल? हाँ। और इसका कोई लाइट वाइट जलाई कभी? कहाँ कुछ हो जला इसे पा रहा है सब। ये नहीं लाइट तो लाइट कहाँ से आए? नहीं जलाती, अंधेरम रही था, अंधर उधर मनाई अंधेरम रही था। हाँ हाँ बिल दिया है साहब, जला नहीं अक्को रोज बला। हाँ जिस व्यक्ति को कॉल सुन सकते हैं वह उत्तर नहीं। ये कर्मचारी हैं, ये एसडीओ महोदय हैं, जमा कर दिए। जब भैया ने कहा जमा, जब लाइट नहीं चला तो जमा कहाँ से करी? जब यहाँ से आप देख लीजिए सामना तार ही नहीं तो लाइट कहाँ से जलाएगा? खम्बे गाड़ चले गए, तार का पता नहीं। क्या इसी अच्छे दिन का इनको इंतजार था? क्या इसी अच्छे दिन के इनको सपने दिखाए जा रहे थे? क्या सरकार यही दावे करती है कि हम गाँव का विकास कर रहे हैं? क्या यही दावे किए जाते हैं कि हर गाँव में बिजली है? शहर की गलियों को छोड़ के गाँव के पगडंडी में आ पहुंचे हैं और मामला इतना गंभीर है कि देख के आप शायद चौंक जाएंगे। आपने पिक्चर में देखा होगा कि बिजली गुल मीटर चालू, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे सच्चाई में दिखा रहे हैं कि बिजली गुल है और मीटर चालू है। आप देख सकते हैं कि सारे मीटर जमीन में पड़े हुए हैं, किसी के हाथों में मीटर हैं, किसी के जमीन में रखे हुए हैं और इन्हीं मीटरों के 20,000, 23,000, 25,000 रुपए बिल आ रहे हैं। हम खड़े हैं जेठासी गांव में, ये उमरी बेगमगंज के थाना क्षेत्र में जेठासी गांव है। यहां पे हाल ही में एक मामला निकल के आया है जहां पे ये पता चल रहा है कि 4 साल पहले मीटर लगाए गए थे जिन मीटरों में कोई लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है। आप खंभे भी देख सकते हैं, गांव के अंदर खंभे लगे हुए हैं लेकिन उन पे तार नहीं है और ये मीटर जो लगाए गए थे सारे मीटर निकाल के रख दिए गए हैं। और अब इन गाँव वालों को जब इसका बिल आया है बिजली विभाग की तरफ से, वो बिल 20,000, 25,000, 18,000 का बिल आ रहा है, जबकि इन्होंने एक भी दिन ना इस मीटर को चलाया है ना इनके घरों में इस मीटर के द्वारा लाइट जली है। आप समझ सकते हैं कि बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि बिना बिजली इस्तेमाल के ही वो यहाँ गांव वालों से, जो शायद मजदूरी या खेती करके चंद पैसे में अपना जीवन काट रहे हैं, उनसे 20-25, 25,000 रुपये वसूल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप एक मिनट कैमरा पर्सन दिखाएं कि मीटर नीचे पड़ा हुआ है, मीटर नीचे पड़ा हुआ। ये देखिए दादा के हाथ में मीटर है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? श्रीचंद। ये मीटर कब लगवाया था? ये मीटर 3 साल हो गया लगे साहब। 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। हाँ। तो ये मीटर कभी लगा भी था कि ऐसे रखा था? ऐसे रखा था साहब। और बिल कितना आया है? बिल 20,335 रुपया। आप देख सकते हैं कि इनके बिल का अमाउंट है 20,335 रुपीज ओनली। ओनली लगा दिया गया है बिजली विभाग की तरफ से, लगाया गया है ओनली। लेकिन इस मीटर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितना चला होगा और इसका बिल आ रहा है 20,000 रुपए बिल आ रहा है। और ये कंडीशन पूरे गाँव की, सबके हाथों में आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति की हाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथों में बिल है। और बिल है जो ये दर्शाता है कि बिजली विभाग ने बिना किसी जांच पड़ताल के इनके हाथों में बिल पकड़ा दिया है। क्या नाम है आपका? नान बच्ची। कितना बिल आया है? 18,000। 18,000? हाँ। मीटर लगा है? हाँ। लाइट आती है कभी? नहीं, लाइट नहीं आई है। गांव में कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन नहीं है। और लोग हैं, क्या नाम है? हमारा नाम मीरा। कितना बिल आया है? बिल का अमाउंट देखिए ऐसा है कि गांव में कुछ बिल नहीं देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में 18,593 रुपीज ओनली, ओनली सारे बिलों में लगेगा, लेकिन यहां पे मीटर जमीन में पड़ा हुआ है। किसका मीटर है बताओ? कब से लगा हुआ ये मीटर? 4 साल होगा। 4 साल? हाँ। और इसका कोई लाइट वाइट जलाई कभी? कहाँ कुछ हो जला इसे पा रहा है सब। ये नहीं लाइट तो लाइट कहाँ से आए? खंभा गड़ा है, है। अब जब मान देखो बिल यहाँ पे इनका भी देख लेते हैं, कैमरा में आपको दिखा दें, 18,754 रुपीज ओनली, सब में ओनली लगा हुआ है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबकी यही दिक्कत है। आपका क्या प्रॉब्लम है? लाइटियाँ आया है, बिल आएगा। बिल लगी हुई है, इनका कहने का मतलब है कि बिल लगा आ गया है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। ये मीटर आप नीचे देख सकते हैं कि मीटर लगा हुआ है। महिलाओं से बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे महिलाओं ने बताया कि बिल नहीं, एक लोग और हैं जो शायद विकलांग हैं, उनका भी मीटर आया, बिल आया हुआ है, वो मीटर लेके बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले तो इनका मीटर देख लेते हैं। भैया मीटर दिखाइएगा अपना, जरा ये मीटर देख लीजिए, भैया का मीटर है। और
शायद ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ही पॉसिबल है कि मीटर हाथों में है, ये बिजली का मीटर हाथों में है, ये केवल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हो सकता है। हम खड़े हैं जिठासी गांव है, उमरी बेगमगंज थाने के अंदर। क्या नाम है आपका? बाबा दीन। ये मीटर कब लगवाया था? 4 साल होगा। तो ये 4 साल से हाथों में ही है कि कभी दीवार पे लगा था? लग रहा है लाइट आई नहीं तो जले कहाँ से। हाँ, उजार दही दिन का आंधी माई तब आंधी उजर गा। तो ये हाथों में मीटर कब से लेके घूम रहे हैं? तब धरा रहा साहब, आज जरूरत पड़ा तब उठाओगा मीटर। बिल आया इसका? हाँ। कितने का बिल आया? बिल आई 23,000। 23,000 क्यों? मीटर रखा हुआ उसकी वजह से आ गया? हाँ, और खंभा लागे तार वार को नहीं जुड़ा है। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं कि 23,000 रुपए इस मीटर का बिल आया हुआ है। और ये मीटर इन्होंने 4 साल पहले एक योजना जो चल रही थी कि हर गांव में लाइट लगाई जाएगी, तो उसके तहत बिल मीटर लगाया गया था। दादी, ये आपके गांव में क्या हो रहा है? मीटर लगा है, लाइट जलती है? नहीं जलती साहब, नहीं जलती, अंधेरम रही था, अंधर धुंधर मनाई अंधेरम रही था। हाँ, बिल तो बहुत ज्यादा आया है। हाँ, बिल दिया है साहब, जला नहीं एक रोज बला। हाँ, यहाँ पे एक बाबा है, उनसे मिलते हैं। बाबा जी, आप लोग के गांव में इतना ज्यादा बिल आ रहा है, 25,000 रुपए, खूब लाइट पंखा चला हुआ हुई। हाँ, कहाँ लाग दे लगा के चले गए, तब से फिर कहाँ गिन जाए? आज तक कुछ नहीं आवा साहब, मैंने झूठ बोले के तार नहीं है खम्भे में तो बिजली कहाँ से आएगी साहब? अब बिल आवत ही भर फटाफट। आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले इन लोग ने जो अधिकारी हैं उनसे भी मिले हैं, डीएम को भी शिकायत पत्र लिखे गए हैं, काफ़ी लोग हैं बातचीत करने के लिए। और जब हम इस गांव में घुसे हैं तो इनको एक उम्मीद जगी है कि शायद हम इनकी कुछ मदद कर पाएं, इस वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? शेष नारायण। कितना बिल आया है? 18,435। 18,435। कितने दिन लाइट जलाए हैं? नहीं, एक भी दिन लाइट नहीं जली है। जो मेरे सबके बाहर खंभा ही नहीं गड़ा है तो लाइट कहाँ जलाई ली? खंभा है ही नहीं, खंभा ही नहीं। अब बिल आया 18,435। हाँ, जमा कर दिए? जब भैया नहीं तो कहाँ जमा, जब लाइट नहीं चला तो जमा कहाँ से करी? आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है कि मीटर सबके हाथों में है और बिजली का बिल 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए आ रहा है। यहाँ पे कितना आया है आपका बिल? बताओ। अच्छा ये बताइए, चलिए बिल देखिएगा बाद में, लाइट कितने दिन जलाई आपने? एक को दिन नहीं। एक भी दिन नहीं? नहीं सर। आप देख सकते हैं सारे लोगों की एक ही यही परेशानी है कि बिल आ गया है और कोई भी लाइट नहीं। अब हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं, ये खंभा आप देख रहे हैं, तारें देख रहे हैं, ये तार का कनेक्शन मीटरों के लिए किया गया था लेकिन इन खंभों पे कभी पावर सप्लाई नहीं जुड़ पाई है। कैमरा मैन तो गुजारिश करूंगा उधर एक खंभा दिखा दें, वो खंभा लगा हुआ है, खाली है, उधर से कनेक्शन आना था लेकिन कभी लग नहीं पाया है। हम लोग को देख के कुछ लोग और रुक रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं लापरवाही। मीटर जहाँ लगा दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह, उमरी बेगमगंज। उमरी बेगमगंज। हाँ, ये आपके उमरी बेगमगंज में क्या चल रहा है बिना मीटर के बिल आ रहा है? ये तो यहाँ के ठेकेदार लोग जाने ना। हाँ, ठेकेदार जाने, विभाग जाने, मीटर ला के बांट गए, खंभा गाड़ गए कि यहाँ तार खींच जाए, कनेक्शन कर दिया जाएगा, वास्ते ऐसा हुआ नहीं है, बिल बराबर आ रहा है। इसमें गरीब आदमी देगा कहाँ से? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मीटर सबके हाथों में, बिल 25,000 रुपए हैं। वो आएगा ही जब वहाँ पे भीड़ हो गया, आधार कार्ड ले लिया, फार्म पे दस्तखत। अच्छा, करा लिया। गलती है ये, अब विभाग की गलती है, विभाग की गलती है। मीटर लगवाने के लिए एक पहल चलाई जाती है, 250-300 रुपए में मीटर लगाए जाते हैं। आपके भी गांव में कुछ ऐसा ही हुआ? रोड से हट जाइए भैया सब लोग। 250-300 रुपए में मीटर लगा दिया गया, फीडिंग हो गई, लाइट कभी जलाए आप लोग? लाइट यहाँ का कोई जलाया ही नहीं, कभी नहीं जली। हाँ, जब यहाँ से आप देख लीजिए सामने तार ही नहीं तो लाइट कहाँ जलाएगा? खंभे गाड़ चले गए, तार का पता नहीं। बहुत ही समझ लीजिए कि बड़ी घटना है, लेकिन मुख्यालय से थोड़ा दूरी होने की वजह से ये मुद्दा जो उठ नहीं पा रहा है। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही शायद पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई जितनी बड़ी लापरवाही गोंडा के इस छोटे से गांव में हुई है। यहाँ पे ये गरीब परिवार हैं, यहाँ पे ये खेती किसानी करके अपना परिवार चला रहे हैं, अगर इनको 25-25, 30,000 रुपये बिल जमा करने के लिए दिया जा रहा है, वो भी जब जब इन्होंने एक भी दिन लाइट नहीं जलाई है, कहाँ से जमा करेंगे?
क्या इसी अच्छे दिन का इनको इंतजार था? क्या इसी अच्छे दिन के इनको सपने दिखाए जा रहे थे? क्या सरकार यही दावे करती है कि हम गांव का विकास कर रहे हैं? क्या यही दावे किए जाते हैं कि हर गांव में बिजली है, हर गांव में लाइटें जलाई जा रही हैं, हर गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए वहां लाइटों का इंतजाम किया जा रहा है? ऐसे तो मीटर पकड़ा के अगर आप बिजली का वादा करते हैं तो उस कितना बड़ा छलावा चल रहा है। हम यहाँ से इस गांव में खड़े होकर इन सबके बिहाफ पे यहाँ से गुजारिश करते हैं कि अगर हमारी इस वीडियो को कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी देख रहा हो या अधिकारी देख रहे हो तो कृपया इनके जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जिनके हाथों में बिल लेके खड़े हुए हैं जितनी उम्मीद से कि इनके साथ कुछ सुनवाई होगी, इनका जो भी काम ये मीटर हाथ में लेके घूम रहे हैं और बिल 25,000 का आ गया है, इस पर सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इनके साथ न्याय किया जाए। अन्यथा ये गाँव वाले आक्रोशित भी हैं और आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।